नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी का पासपोर्ट बना 3 साल का, अमेरिका में राहुल गांधी घूम रहा है, आप सबको पता होगा। लेकिन क्या आपने सोचा होगा कि राहुल गांधी की संसदीय पिछले महीने डेढ़ महीना हो गया होगा शायद, संसदीय खत्म होने के बाद में इनको एक केस में सजा हो गई थी 2 साल की, इनकी संसदीय चली गई। इनके पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था मैरून कलर का, वो भी फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया था, यानी उनको जमा करवा दिया था। अब ये नॉर्मल सिटीजन थे, जैसे आप और हम हैं नॉर्मल सिटीजन भारत के, वैसे ही रह गए थे। नहीं इनके पास कोई पद था, नहीं इनके पास कोई पासपोर्ट डिप्लोमेटिक था, नॉर्मल ब्लू कलर का जो पासपोर्ट आपके पास है वही भी नहीं था। लेकिन अब इनको पासपोर्ट मिल भी गया और ये विदेश अमेरिका पहुंच भी गए, वहां पे अपने लेक्चर भी दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब देश में आपने सुना होगा कि एक छोटा सा एफआईआर आपका पुलिस स्टेशन में हो गया तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। मैंने भी ये वीडियो में बोला, आप सबको पता होगा इस चीज का। ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, भैया आपका अपने पड़ोसी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उसने एफआईआर करवा दी, चाहे उसमें आपको अरेस्ट नहीं किया गया, नॉर्मल मुकदमा लगाया, लेकिन फिर आप जब भी पासपोर्ट बनाओगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी। ये राहुल गांधी के साथ ये दिक्कत क्यों नहीं है भाई? कानून तो इंडिया का सेम है, राहुल गांधी भी आप जैसे हम जैसे हम भी उनके जैसे सेम, कोई फर्क नहीं है। फिर उनका 3 साल का पासपोर्ट कैसे बन गया? अभी कोर्ट ने उनको 3 साल के पासपोर्ट की इजाजत दी है, उनका ब्लू कलर का पासपोर्ट जो आपके पास है वैसा ही वो पासपोर्ट लेके अमेरिका पहुंचे हैं। इमिग्रेशन क्लियरेंस करने में उनको 2 घंटे लग गए थे, जो आम आदमी को लगते हैं वैसे ही उनको लगा था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं? क्या आपके ऊपर भी अगर मुकदमा एफआईआर हो चुकी है, कोर्ट ने सजा सुना दी है, जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि उनको तुरंत बेल मिल गई थी, लेकिन सजा याफ्ता तो हो गए ना, सजा तो मिली है उनको कोर्ट से, दोषी तो हो गए वो, तो फिर पासपोर्ट कैसे बना? तो इसका भैया सीधा सीधा फंडा यह है कि जब भी आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, समझ गए, तो आप पासपोर्ट बनाओगे तो पुलिस में वेरिफिकेशन के लिए आता है आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट आते हैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, तो उसमें पुलिस वाले ये लिख के भेज देते हैं कि भैया इनके ऊपर एफआईआर नंबर ये फलाना ढिमका, जो भी आपके खिलाफ में रिपोर्ट है वो मेंशन कर देते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं। पुलिस क्लियरेंस नहीं होता है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे राहुल गांधी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपके ऊपर भी अगर ऐसी कोई लफड़ा है, को छोटा मोटा केस कोई भी केस है, तो आप चाहे कोई बड़ा केस हो, लेकिन इसके लिए अगर आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने नियर में जो भी कोर्ट हैं वहाँ से वकील एडवोकेट के द्वारा अप्लाई करके एनओसी लेना होगा। अगर कोर्ट आपको एनओसी दे देता है तो आप भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए, भैया एफआईआर हो गई, अब तो ये केस 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, तब तक हमारी ज़िंदगी तो आधी तो चली गई, आधी यहीं कट जाएगी, बुढ़ापे में हम तो विदेश नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, 2 तरीके हैं। तरीका फर्स्ट यह है कि भैया जिस जो मैटर सलटा है उसको सलटा लें, उससे हाथाजोड़ी करके राजीनामा कर लें तो अच्छी बात है, सलट गया मैटर, कोर्ट से आपकी एनओसी पुलिस स्टेशन आ जाएगी, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, भैया कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन आप कोर्ट के वकील के माध्यम से अपना रियल रीजन, कारण जो भी है, देके कोर्ट्स के द्वारा एक एफिडेविट वगैरह जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें आप अपना पासपोर्ट की एनओसी ले सकते हैं बनवाने के लिए कोर्ट से। वो कोर्ट की एनओसी पुलिस स्टेशन आएगी, फिर पुलिस स्टेशन आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्लियरेंस मिल जाएगा तो आप अपना पासपोर्ट बनवा के आप भी अमेरिका राहुल गांधी की तरह घूम सकते हैं। वहाँ पर लेक्चर आप देते हैं क्या देते हैं वो एक अलग इश्यू हो जाता है। राहुल गांधी जी भी आपको पता है भैया लेक्चर अभी दे रहे हैं, जो हर बार जाते हैं, पिछली बार इंग्लैंड में गए थे वहां भी लेक्चर दिया था, जिनका काफी सारा इंडिया में विरोध भी हुआ था, लेकिन चलो वो तो पॉलिटिक्स बातें हैं, उनमें हमें नहीं पढ़ना। लेकिन मेन फंडा यही है, भैया आप भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। किसी के मन में शंका है कि एफआईआर हो गई पुलिस में, कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। नियर अपना जो भी आपका वकील है उनसे आप डिस्कस करिए और अपना पासपोर्ट की कोर्ट से एनओसी, अब कोर्ट एनओसी देखिए, यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एनओसी देता है या नहीं देता है, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप मान लो आदतन अपराधी हैं, आपके ऊपर 8-10 मुकदमे चल रहे हैं, तो भाई कोर्ट एनओसी कैसे देगा? नहीं देगा। और मान लो आपके ऊपर कोई मर्डर का केस चल रहा है, कोई देशद्रोह का केस चल रहा है, कोई मतलब कोई सेंसिटिव मामले का कोई मुकदमा चल रहा है, तो फिर कोर्ट आपको एनओसी नहीं देगा। हाँ, नॉर्मल मुकदमे में जो अलग अलग धाराओं पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एनओसी देता है या नहीं देता है, वो आपके केस के हिसाब से कोर्ट फैसला लेगा। बातें आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।